एक और बड़ी खबर, सीएम की बैक टू बैक चुनावी रैलियां, अंबाला में होगी सीएम की जन आशीर्वाद रैली। सीएम की चुनावी रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कल नारायणगढ़ पहुंचे थे, आज अंबाला में जन आशीर्वाद रैली होनी है। तो सीएम की आज बैक टू बैक चुनावी रैलियां हैं। एक तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री नायब सैनी आज एक्टिव मोड में नजर आएंगे। सबसे पहले नामांकन के लिए पहुंचेंगे, किरण चौधरी आज राज्यसभा के लिए उपचुनाव के लिए नामांकन करने जा रही हैं, नायब सैनी मौजूद रहेंगे। संकल्प यात्रा का आज से आगाज हो रहा है, तो पंचकूला पहुंचेंगे, उसके बाद अंबाला जाने का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें कि अंबाला में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे नायब सैनी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री की आज बैक टू बैक चुनावी रैली होनी है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज अंबाला जाएंगे नायब सैनी। तो सीएम की बैक टू बैक चुनावी रैलियां, जन आशीर्वाद रैली लगातार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। कल नारायणगढ़ पहुंचे थे, उससे पहले झज्जर पहुंचे थे, तो तमाम जगहों पर पहुंचकर यहां पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं नायब सैनी। लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। अब सीएम की जो चुनावी रैली है अंबाला में होनी है, तो अंबाला में तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, उसके बाद से ही तमाम पार्टियां चुनावी मोड में हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगर हम बात करें तो लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। आज सीएम की बैक टू बैक रैलियां होनी हैं, अंबाला में सीएम की जन आशीर्वाद रैली होगी, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम की चुनावी रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता दें कि सीएम की बैक टू बैक चुनावी रैलियां होनी हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनावी रैली को देखते हुए अंबाला में आज चुनावी रैली होनी है। राजकुमार शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, जानकारी आपसे चाहेंगे, कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, क्या कुछ शेड्यूल है, कार्यक्रम किस तरह का है? जी बिल्कुल, आज अंबाला शहर में जो है ये चुनावी रैली है। मुख्यमंत्री जो है 4 बजे का समय दिया गया, 4 बजे यहाँ पहुंचेंगे और अंबाला शहर के विधायक और जो परिवहन मंत्री हैं असीम गोयल, वो भी वहीं पर होंगे। और जो तैयारियां जो जोर शोर से कर ली गई हैं, परसों से जो है यहाँ तैयारियां चल रही हैं और पुलिस का भी जो पुख्ता बंदोबस्त कर लिया गया है। और रैली जो है अनाज मंडी के अंदर जो है होगी, क्योंकि बरसाती मौसम है, इस वजह से जनता के बैठने के लिए भी जो है इंतजाम किया गया, ताकि बरसात की वजह से रैली में किसी प्रकार का खलल ना पड़े। और व्यवस्था किस तरह की है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? सीएम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आज उनकी बैक टू बैक कई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के, तो समय को लेकर जानकारी एक बार फिर से आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो है 4 बजे के करीब जो है ये अंबाला शहर में पहुंचेंगे और इससे पूर्व जो है असीम गोयल जो परिवहन मंत्री है वो वहाँ रैली में इसकी शुरुआत करेंगे। और साथ ही जो है भारी संख्या में जो है जो लोग हैं उनके पहुंचने की जो है उम्मीद है और जो लोगों में भी काफी जो है उत्साह है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले भी कई बार यहाँ आ चुके हैं और सौगात दे चुके हैं। और यहाँ सबसे बात ये देखने वाली है, क्योंकि यहाँ 100 बेड का जो अस्पताल बनना था, ये इसकी भी जो बातचीत हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जहन में जो है ये सब चीजें हैं। और मुख्यमंत्री जो है यहाँ अब चुनावी घोषणा तो कोई नहीं कर सकते, लेकिन आते ही जो है लोगों में वो वोट मांगने और असीम गोयल को जिताने के लिए जो है इस प्रकार की जो घोषणा जो है वो कर सकते हैं, लोगों से जो अपना आशीर्वाद मांग सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो अंबाला में आज मुख्यमंत्री चुनावी रैली जो है संबोधित करने जा रहे हैं, सीएम की बैक टू बैक रैलियां होनी है, तैयारियां पूरी कर ली गई है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 4 बजे के लगभग सीएम यहां पर पहुंचेंगे।